गुजारिश करूंगा जनाब चौधरी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सीईओ बोर्ड का पोस्ट। नहमद अबू नसली अला रसूल करीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे मोहतरम डॉक्टर साहब, तमाम उस्ताद, टीचर्स और तमाम स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आज जो आपने थीसिस 2023 करवाया उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ। इससे इन बच्चों में मोटिवेशन आएगी। जो मैं लोगों से मिला हूँ, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं। ये एक बच्ची मुझे उन्होंने फाइबर पे बताया, एक ने ग्लूटन फ्री पे बात की, तो बड़ा दिल खुश हुआ। मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ तो यही कुछ हो रहा है, और ये वहाँ जाके मैं ये सोचता हूँ कि हमारे मुल्क में भी यही होना चाहिए। तो अल्लाह के फजल से ये जैसी जैसी यूनिवर्सिटियाँ डेवलप हो रही हैं और हमारे टीचर्स, हमारे VC साहबान जिस पे काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा इकदाम है। और हमारे बच्चे पढ़ें, रिसर्च करें, दुनिया में भी फैलें, अपने मुल्क की भी खिदमत करें। तो ये तो हो गया आज के इवेंट के बारे में। तो ये देखें, जितनी भी चीज़ें आज आपने यूज़ किए हैं, ये ज़मीन से निकलती हैं। तो हमें सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, जैसे नाम ही MNS यूनिवर्सिटी है, मियां नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी, तो ज़रात से मुंसलिक हैं हम लोग सारे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब और हमारा मुल्क और हमारे जितने भी प्रोफेसर्स हैं, हमें ज़रूरत है अपने मुल्क की ज़रात बेहतर करने की। हाई टेक हर चीज़ को हमें उसकी ज़रूरत है, उसके रिसर्च के साथ। फिर आप लोगों की रिसर्च की ज़रूरत है, उसके बाद फिर फूड तैयार होता है, उसमें एनिमल फूड भी है, उसमें अपने इंसानों का फूड भी है, वो फिर हम तैयार करते हैं और उससे मुस्तफीद होते हैं। तो ज़मीन से लेकर उसके बाद फिर हावी तालीम, तालीम के बाद फिर हम दोनों का, अकेडेमिया का और इंडस्ट्री का, आपस में मिल जाना और रिसर्च करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और जो ही ये सारे काम हो जाते हैं, तो फिर हमें सबसे ज़्यादा जो सामना है वो हमारे मुल्क में फाइनेंशियल कमी है बहुत ज़्यादा। हम दुनिया से बहुत पीछे हैं। मैं अपने ज़िंदगी का 40% हिस्सा जो है ना, दूसरे मुल्कों में गुजारता हूँ। वहाँ जाके मैं देखता हूँ लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं। वहाँ से मैंने ये सीखा है पिछले 35 सालों में कि हमें इन लोगों के साथ मिलना है। और फिर मैंने ये सोचा है कि हमने भी वो काम करने हैं, वो रिसर्च करनी है, वो फसलें उगानी हैं यूनिवर्सिटियों से, और इन बच्चों से वो काम लेना है जो हम इन्हीं लोगों को बेच सकें और अपना ज़ेर मुबादला भी हासिल करें और इन लोगों के साथ मिल जाएं। तो उसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल दी है। और मैंने दुनिया में 30 कंट्रियों में ये कामयाबी हासिल की है। और इस वक्त मेरा जो नाम है, मेरी इंडस्ट्रियों का नाम जो है, मेरी एक इंडस्ट्री नहीं है, 5-6 कंपनियां हैं जो इस्लामाबाद में है, सिल्वर लैक, वोल्का फूड, SM फूड्स। तो वो इस वक्त 22 अरब का उन्होंने एक्सपोर्ट किया है फूड इंडस्ट्री में, फूड एक्सपोर्ट किया है 22 अरब का फूड हमने एक्सपोर्ट किया है। जब मैंने शुरू में एक्सपोर्ट की तो मुझे शिकागो में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का, जब पहले वहाँ चीज़ें जाती हैं UK में या शिकागो में या अमेरिका में, वहाँ पहले हमारे लैब टेस्ट होते हैं, तो वहाँ कंटेमिनेशन आ गई। वहाँ पर हमारा जैसे राणा साहब जिंक खाद पे काम करते हैं, जिंक में कमी थी, प्रोटीन और ग्लूटन में कुछ कमी थी, तो मैंने वो एक कंटेनर पूरे का पूरा समुंदर में जाया कर दिया। फिर हमने सोचा, फिर हमने 6 माह के बाद 2 कंटेनर दोबारा एक्सपोर्ट किए, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस हुई। तो जब ये फेलियर हुआ तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो फिर मैंने ये सोचा कि हमारे मुल्क में तो वो मशीन ही नहीं है, वो ज़रात ही नहीं है। वो ज़रात को बेहतर करने के बारे में मैंने यूनिवर्सिटियों से, फैसलाबाद से, नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी से कोलेब्रेशन किए, MOU साइन किए कि हमारे किस तरह बेहतरी आए। वो बेहतरी आनी शुरू हो गई।
फिर मैंने अपनी मशीनों को बेहतर किया, अभी मैंने फ्लोर पे काम किया, मिल पे काम किया, अभी जो मैं फ्लोर मिल लाया हूँ, देखिए आम फ्लोर मिल बनती है 1 अरब रुपए की, जो मुझे फ्लोर मिल दी गई है यूरोप ने वो 8 अरब की दी है डॉक्टर। तो वो क्या करती है, वो एक ही कंदम का दाना है जो आम बंदा भी उसको ट्रीट करता है, जो हमारी मिल भी ट्रीट करती है। सबसे पहले तो उसके अंदर जो जर्म है, जो दाना उगता है जिससे पौधा बनता है, वो भी उसको लैदा कर देती है। उसका फाइबर, एक एनिमल फाइबर है एक ह्यूमन फाइबर है, दोनों को लैदा लैदा करती है। और जो फाइबर है, अभी उस बच्ची ने इतने बात की है, पता नहीं उसने को केक बना के रखा था, आप यकीन करें वो मैंने 3 कंटेनर इसके सऊदीया में भेजे हैं फाइबर के। सऊदी अरब में फाइबर का रेट है $400, आम प्रोटीन का रेट है, और फाइबर का रेट है $1000 पर टन। तो हमने फाइबर एक्सपोर्ट कर दिया, वीट फाइबर, उसमें जौ का फाइबर भी है, वो इसी मिल ने तैयार किए। अगर आप अच्छी मशीन लगाएंगे तो आपको रिकवरी भी मिलेगी, वो रिकवरी हमारे कौम के भी काम आएगी, हमारे मुल्क के भी काम आएगी। तो हमें अच्छी मशीनों की भी ज़रूरत है, हमें अच्छी फसल की ज़रूरत है, हमें अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। ये जो आप लोग बैठे हो रिसर्च करके छोटी छोटी चीज़ों को, एक्चुअली इसको आपने इंडस्ट्रियल लेवल पे लेके जाना है। आप इसको इंडस्ट्रियल लेवल पे देखेंगे हमें कौन कौन से इसमें किन किन चीज़ों का सामना होगा, इसके प्रेजर्वेटिव क्या हैं, इसको हमने शेल्फ लाइफ कितनी देनी है, ये चीज़ें बहुत सारी रिसर्च की हैं जो आपको आजकल हर जगह से मिल जाएंगी, आपको गूगल से मिल जाएंगी, हर जगह से मिल जाएंगी। आप उसको पढ़ें और दुनिया के साथ इस तरह मिल जाएं कि आप खुद भी एम्प्लॉयर बने, आप छोटे कारोबार से बिजनेस शुरू करें, तो इंशाल्लाह मार्केट में डिमांड है। आप लोग पढ़ें लिखें, आगे आए इंडस्ट्री में, आगे आए, हमारा मुल्क बिल्कुल खाली है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो उम्मीद है हम सब मिलकर काम करेंगे, और अगर मेरा जैसा बंदा काम करके पहले 100 एक्सपोर्टरों में मेरा नाम है, मेरी इंडस्ट्री का नाम है, तो मुल्तान में 40 लाख लोग हैं, 40 लाख लोग में मैं अकेला हूँ। फिर आप जनूबी पंजाब में 7 करोड़ लोग हैं, पूरे पंजाब में 13 करोड़ लोग हैं, तो जनूबी पंजाब में हम हैं। तो आप कोशिश करें कि आप भी किसी को अपना रहबर बनाएं, किसी से हुनर सीखें और उसके पीछे लगें, और अपने लिए, अपने वालदैन के लिए, अपने मुल्क के लिए काम करें। अल्लाह ताला हमारा हमीना सर। अस्सलाम वालेकुम।